अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह की पनाह में होंगे। तो गाइस आज मैं दादू जी आ रहा हूँ आज का, और आप सब दोस्तों के लिए ही मैं ये कोशिश करता हूँ आपको कुछ ना कुछ दिखाने की। तो अभी मैं ये मेरी बाइक है और ये मेरा रोड है गाँव का, तो वहाँ मैं जा रहा हूँ। तो अयाज भाई को साथ लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, दादू के नज़ारे दिखाएंगे आपको, हमारे साथ रहिएगा। फाइनली मैं मोरो शहर पहुँच चुका हूँ और ये देख सकते हैं मोरो बाईपास है। तो उसके आगे अयाज भाई को मैंने एक जगह दसी थी, बताई थी कि जो है एक दोस्त है वहाँ आना है। तो मैं ये मोरो का जो शहर में रास्ता जाता है मैं वहाँ जाता हूँ। वो जो आपने रास्ता देखा वो बाईपास का था और ये मोरो शहर का रास्ता है, वो जा रहा है वहाँ जा रहा है। शहर के अंदर इन हो चुका हूँ और ये मोरो शहर शाही बाज़ार और जो खेड़ा बाज़ार मोरो, मतलब के जितनी भी बाज़ार हैं ना मोरो में, वहाँ पर जाता है ये रास्ता, मोरो शहर के अंदर जाता है। तो आप मेरे साथ रहिए और फिर मैं दादू जाऊँगा। अयाज भाई को मैंने एक जगह बताई थी, वो वहाँ आने वाले हैं। अभी हम बाईपास पर आए हुए हैं, ये अलजिदा होटल है वहाँ पर आए हुए हैं और अयाज भाई का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आएँगे तो फिर साथ चलेंगे। ये हमारे भाई हैं और रेसरार भाई, वो भी हमारे भाई पहुंच गए हैं। ये देखें अयाज भाई, जिसको आपने कराची में भी देखा था और अभी भी इधर भी देख रहे हैं, और ये अयाज भाई आ चुके हैं। अभी हम पेट्रोल पे आए हुए हैं, पेट्रोल भरवा कर फिर आगे चल लेंगे। ये देखते हैं जमाली का पेट्रोल पंप है, शेल का। जो है ना लिंक रोड है, लिंक रोड के जो है ना सहारे पे हम चल रहे हैं, और आगे आगे दादू आएगा, दादू के बाद फिर जो है ना मेहर, ये वो लालकाना वगैरह वगैरह जितने भी शहर हैं। ये ऊपर हम चढ़ चुके हैं, दादू का रास्ता है ये। अभी मोरो की हद ख़त्म होने वाली है और इससे आगे दादू आएगा, तकरीबन 20-25 मिनट के फासले पे दादू आएगा। और गाड़ी की ड्राइविंग भी मैं कर रहा हूँ। दादू की सबसे बड़ी पुल है, बल्कि ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बनी हुई थी। तो अभी मैं उधर पहुँच चुका हूँ, ये आप देखेंगे आगे आने वाली है, थोड़े ही फासले पे है दादू की पुल है, बड़ी पुल है, चेक कर सकते हैं आप। लो आपकी ये दादू पुल आ गई है, इसको दादू पुल बोलते हैं और ये सबसे बड़ी पुल है और अच्छे मतलब के मनाजर हैं, लोग यहाँ पे शाम को एंजॉय करने के लिए आते हैं, ये आप नज़ारा हासिल करें। और ये आप शायद मैं समझता हूँ कि कभी नज़ारा नहीं देखा होगा इस पुल का, ये मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। और ये दोस्त मैं आपके लिए करता हूँ, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ये मैं आप सबको दिखाने के लिए करता हूँ। ये भी मनाजर हैं भाई, ये देखें कितने खूबसूरत मनाजर हैं पुल के, और चेक करें कि क्या मतलब के माहौल बना हुआ है अच्छा। और साथ साथ हमारे जो है ना अयाज भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये दादू पुल है, ये आप देख सकते हैं दादू पुल, दादू मोर पुल, ये सिंध की जो है ना बड़े में बड़ी पुल है और अच्छी पुल है, मतलब के लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए इतना टाइमिंग पे आते हैं ना कि फैमिलियाँ लेकर आते हैं छोटे बड़े, और इसमें मतलब के एंजॉय करने के लिए नज़ारे देखने के लिए आते हैं। शाम को इनके दिलकश नज़ारे होते हैं, बहुत दिलकश नज़ारे होते हैं ये। और ये मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ, ये सब मैं आपके लिए करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। ये दादू के आगे गाँव है सियालकोट, सियालबंद बोला जाता है उसको, और विलेज है। तो दोस्त की दुआ मांगनी है, वहाँ जा रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे जो होता है फिर आपको दिखाऊँ। ये लो जी जो गेट आ गया, बाब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, मतलब के बाब को जो बोलते हैं ना, बाब का मतलब है गेट। तो दादू आने से पहले, एंटर होने से पहले ये बाब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आ जाता है। फिर कुछ इस तरह सूरत हाल होती है कि यूँ रोड ख़राब हो जाती है,
अच्छे रोड भी आ जाते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा, थोड़े बहुत मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी दादू शहर शुरू हो गया है, तो ये दादू का लिंक रोड है जो कि मेरठ भी जाता है और लाड़काना भी जाता है, बहुत सारे इलाके हैं वहाँ जाता है ये रोड। तो दादू का ये जो ना मेन लिंक रोड है, देखें। और यार बहुत गर्मी इधर बहुत है, सच पूछे ना बहुत गर्मी है, पसीने आ रहे हैं। ये देखें लोग कैसे भीगे हुए हैं ना पसीनों में। और ये रास्ता जो जा रहा है ना, दूसरा रास्ता ये जा रहा है सेवन शरीफ, तो मैं उसी रास्ते पे हूँ। रोड ख़राब लगे हुए हैं, रोड बन रहे हैं, अल्लाह करे बन जाए यार। सीन कुछ इस तरह है, ये चेक करें आप, इधर ब्रेकर भी बहुत हैं, ये देखें। ये रेलवे रोड है, रेलवे स्टेशन। अभी हम आए हुए हैं इधर सरदार यार मोहम्मद बोजदार की बैठक पे, तो सरदार साहब तो अभी निकले हुए हैं लेकिन अयाज भाई हमारे साथ हैं और मैं भी बैठा हुआ हूँ। सीन कुछ इस तरह है कि गर्मी बहुत है, जाने को दिल नहीं करता लेकिन जाएंगे, अभी वापसी जाएंगे यार, क्योंकि वो सरदार साहब निकल गए और हम बाद में पहुँच गए, तो उस वजह से अभी जाएंगे। ये सीन कुछ इस तरह है। तो दादू में बहुत गर्मी है और इस वजह से मैंने आपको कुछ ऐसी जगहें नहीं दिखाई जो मुझे दिखानी चाहिए थी, वो मैं माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर मैं किसी टाइम आऊँगा ना दादू, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा, स्पेशली आपके लिए आऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। और ये जो दादू का मेन इलाका है, स्टेडियम ये देख सकते हैं, स्टेडियम देख सकते हैं, और ये शाख है बड़ी दादू की, जिसमें लोगों का मतलब कि गटर की लाइन भी आती है और पानी वगैरह फसल को भी आता है। और ये इधर से आबादी लगी हुई है, ये गाड़ी है, गाड़ी पे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस व्लॉग में हमें दीजिए इजाज़त और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपने प्यारे भाई, अपने होस्ट आदिल नसरुल्लाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।